हाँ भाई स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 8.4 का जो है थर्ड का क्वेश्चन। यहाँ पे है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का है। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इस तरह के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की छोटी सी ट्रिक है, बहुत छोटी सी ट्रिक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, दोनों को कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नहीं, साइन साइन दोनों सेम है, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे हम। और देखो, अगर चेक करोगे आप तो इन दोनों का सम जो है हमेशा 90 दिया रहता है। 63 और 27, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, 17 प्लस 60 73 डिग्री 90 डिग्री, इनका इनका सम, इनका इनका सम, ठीक है, 90 रहता है। तो नाउ अब हम एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। साइन स्क्वायर 63 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 27 डिग्री, यानी कि 90 में से 27 गया तो 63 बचेगा। और इस वाले पोर्शन को आप जो बगल वाला क्वेश्चन रहता है उसको आपको छोड़ देना है, एज इट इज। कभी किसी क्वेश्चन में आप दोनों को कन्वर्ट नहीं करोगे, किसी एक को कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो 63 के प्लेस पे हमने लिखा 90 माइनस 27, भाई 90 में से क्या माइनस करेंगे, 20 जो है 63 है, 27 माइनस कर दो, वो यहाँ से मिलता है हमको। यहाँ पे भी सेम कर देंगे, कॉस स्क्वायर 17 के लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 73 डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट वाला वह सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लगता है एक आइडेंटिटी, एक फार्मूला लगने वाला है। क्या लगने वाला है, एक लगने वाला है फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा होगा, आंसर आता है कॉस थीटा। अगर बात करते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा, तो आंसर आता है साइन थीटा। ये एक तरह का क्या है, ये बोलो भाई, एक फार्मूला है, एक आइडेंटिटी जैसी है, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं, इसे याद रखो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसको याद रखो आप लोग, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, तो साइन 90 माइनस 27, थीटा की जगह प्लेस करेंगे थीटा 27, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसका आंसर आएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, एज इट इज़ इसको कॉपी कर लो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। सेम काम हम करेंगे अपॉन की कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, इसकी जगह पे क्या आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 73 डिग्री प्लस, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, जो कि एज इट इज़ कॉपी होते चला जा रहा है। बस क्लास यहाँ पे बन गया है एक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एंगल सेम सेम है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आंसर आता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आंसर आता है 1 अपॉन 1, ठीक है, ये 1 हो गया हमारा आंसर। क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7। तो थर्ड का जो सेकेंड पार्ट है ये भी आपका एज इट इज़ सेम होगा, सेम पैटर्न उसका भी है। बात करते हैं अगर हम थर्ड के सेकंड क्वेश्चन की, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री, या स्क्वायर नहीं सॉरी सिर्फ साइन है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। हालांकि एक और फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी क्लास 11th के लेवल पे, मगर यहाँ पे भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप यूज़ करोगे सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लेवल को। तो 10th के लेवल पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से देखो सब लोग, सब समझ में आ रहा है क्वेश्चन। किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, आप दोनों कन्वर्ट नहीं करोगे, जैसे यहाँ पे हम साइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो साइन को रोक लीजिए, 25 की जगह आप लिखोगे, बजाय 25 लिखने के आप लिखोगे 90 माइनस 65, चेक भी कर लो, 90 में से 65 जाएगा, 25 बचेगा, और इस टर्म को आपको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। यहाँ आपने साइन को कन्वर्ट किया था, तो इस वाले में आपको क्या करना है, कॉस को कन्वर्ट करना है। कॉस 25 की जगह पे आप लिख दोगे 90 माइनस 65 डिग्री, और उसके बाद जो अगला टर्म है, दिख रहा होगा सबको, जो अगला टर्म है, उसका कैमरा हिल गया, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। जो नेक्स्ट टर्म है हमारा क्या है भाई, देखो नेक्स्ट टर्म है साइन 65, उसको एज इट इज़ आप लोग लिख लोगे। नेक्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा, अभी किया था हम लोगों ने, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस क्या थीटा होता है, कॉस 65 डिग्री। इस कॉस को आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है।
cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, साफ साफ दिख रहा है cos इंटू cos, बोलो भाई cos इंटू cos, cos स्क्वायर 65 डिग्री, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आंसर आ गया 1, ये आपका क्या हो गया मेन आंसर, ठीक है। तो ये आप आइडेंटिटी लिख भी सकते हो। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की, तो क्वेश्चन नंबर 4th तो बहुत ज़्यादा इजी, इसको बताने की हमको लगता है ज़रूरत ही नहीं है। 4th का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ऑप्शन इसका पूछ रहा है, तो ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 9 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है, तो आएगा क्या आंसर? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है भाई। और ये लिखा हुआ है एक आइडेंटिटी, इसका आंसर होता है 1, तो 9 1 जा 9, ये इसका हो गया फाइनल आंसर। हम एक आइडेंटिटी आपको लिख के दिखा भी देते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी से आया है। एक्चुअली आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a। अगर हम 1 को होल्ड कर लें और tan को यहाँ से भगा दें तो tan उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हाँ भाई, तो 1 प्लस tan sec स्क्वायर a और 1 इज इक्वल टू होता है sec माइनस tan स्क्वायर a, तो sec माइनस tan की जगह पे लिख दिया हमने 1, ओके, इसकी जगह पे क्या आ गया 1 आ गया। तो आपको ये सब आइडेंटिफाई करनी, सबको भाई ये याद रखनी है, ये याद होना चाहिए भाई, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, थोड़ा सा वो बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें आपको लग सकता है ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ भाई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कौन सा है? 4th का सेकंड एक्सरसाइज 8.4 का 4th का सेकंड क्वेश्चन है, 4th का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है भाई। 1 प्लस tan थीटा क्या दिया हुआ है? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन। वो एमसीक्यू में दे दिया है वो ठीक है, मगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन है नहीं भाई, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं एमसीक्यू का। ये आपको एक प्रॉपर इसका सलूशन चाहिए, कुछ नहीं करो अभी, इसको कुछ नहीं करो, एक्सपेंड कर दो, फुल एक्सपेंड कर दीजिए। 1 का 1 से 1 प्लस 1 का कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉट थीटा, 1 का माइनस कोसेक से आएगा माइनस कोसेक थीटा, टेन का 1 से करेंगे तो टेन थीटा आएगा, वेरी गुड, टेन का कॉट से करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आएगा, टेन का कोसेक से करेंगे तो माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा आएगा। और सबको दिख रहा होगा माइनस साइन कहाँ से आ गया, ठीक है भाई, प्लस माइनस माइनस, 1 का तीनों से हो गया, टेन का तीनों से हो गया, तो पूरा पूरा 6 टर्म आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, sec का तीनों से करेंगे, sec इंटू 1 sec थीटा, sec का cot से करेंगे तो हो जाएगा sec थीटा इंटू cot थीटा, और फिर माइनस sec का cosec से करेंगे तो sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ मत करो भैया, सबको sin cos में कन्वर्ट करना है। अभी तो इसको छोड़ देंगे, 1 cot थीटा ऑलरेडी कट जाएगा, माइनस cosec थीटा प्लस tan थीटा, अभी यहाँ तो सिर्फ सिंगल सिंगल टर्म चल रहा है, जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ चेक करते हैं। tan इंटू cot दुनिया जानती है भाई, tan थीटा cot का उल्टा होता है 1 अपॉन tan थीटा, भाई cot की जगह पे 1 अपॉन tan थीटा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, tan एज इट इज मल्टीप्लाई, और cot हो गया 1 अपॉन tan थीटा माइनस। अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ हमको सबको पता है भाई tan का, tan को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, और कोसेक को कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा में, उसके बाद सेक को सेक ही छोड़ दीजिए, प्लस सेक इंटू कॉट यहाँ कर सकते हैं, सेक को कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस इस सेक कॉस का भी कोई मतलब नहीं, इसको एज इट इज छोड़ना रहेगा हमको, ठीक है भाई, इसको एज इट इज छोड़ना रहेगा। तो अब जहाँ जो कट रहा है कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे साइन से साइन कट गया, ठीक, टेन से टेन कट गया, जो जो बचा लिखते हैं, क्या बचा है? 1 बचा है, ये कॉट थीटा बचा है, माइनस कोसेक थीटा बचा है, प्लस टेन थीटा बचा हुआ है, हो गया हो गया हो गया हो गया, टेन टेन कट गया, बचा से 1 बचा है, माइनस 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा,
वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा हो गया, प्लस प्लस सेक थीटा बचा है, प्लस वन अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा, सबको पता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, माइनस सेक इंटू कॉस को एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, जो जो हो रहा है देखो, ये क्वेश्चन एम सी क्यू के पैटर्न पर ना सोचना कोई लोग, ये एम सी क्यू नहीं है। ठीक है, ये एम सी क्यू आज ये एम सी क्यू जैसा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग, क्या है वन प्लस वन टू हो गया क्या, टू तो हमारा आ गया, ये आंसर है टू हमारा, लेकिन बाकी लोग तो कटेंगे, ढूंढते हैं सेक का सेक से कैंसिल, कोसेक का कोसेक से कैंसिल, वन प्लस वन हो गया टू, तो क्या बचा टेन और कॉट बचा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब कैसे ये पूरा पोर्शन कट के जीरो होना है तभी तो टू आंसर आएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, प्रूव हो चुका है। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है भाई हो गया, और सेक होता है कॉस थीटा और कोसेक होता है साइन थीटा। कुछ नहीं, सबका एलसीएम ले लेंगे तुरंत आंसर हो जाएगा, कॉस साइन को एलसीएम हो जाएगा कॉस इंटू साइन थीटा। ठीक है, बस इसका एलसीएम लीजिए, कॉस कॉस खत्म, बचा साइन, साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन फिनिश्ड, बचा कॉस, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कॉस साइन खत्म, बचा सिर्फ वन, टू प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है वन, माइनस वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वन से वन कैंसिल, ये पूरा पूरा पोर्शन क्या हो गया जीरो हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया टू आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही है बोलो भाई, इसका ऑप्शन सी सही। तो ये एक क्वेश्चन है थियोरेटिकल, इसको अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन आपको जो है और भी शॉर्ट तरीके इसके हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा शॉर्ट और ईजी इनको लग नहीं रहा है, बहुत सब इसका तरीका जो कि एग्जाम में इंसान भूल जाता है, सबसे बेस्ट है साइन कॉस में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है उसको रिविजन करके दोबारा देख सकते हैं। बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की, अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो थोड़ा सा आपको ईजी है, रिलैक्सेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपकी बात कर ले हम फोर्थ का, अगर थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं तो सेक ए और प्लस टेन ए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो टू टू मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए कॉमन रहते हैं, टू मार्क्स वाले क्वेश्चन बोर्ड्स में। हम यहाँ पे सेक का क्या कर सकते हैं, सेक ए का क्या कर सकते हैं, सेक का उल्टा होता है कॉस ए और टेन को लिखते हैं हम साइन अपॉन कॉस, वन माइनस वन ए को एज इट इज छोड़ दो। अगला स्टेप क्या एलसीएम बोलो भाई, क्या एलसीएम है, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस ए, कॉस खत्म बचा वन, कॉस खत्म बचा सिर्फ साइन, ये आपको देखो जिसको नहीं आता ना कि एलसीएम लेना, कॉस का कॉस से इसका इससे डिवाइड करते हैं, कॉस का कॉस से हो गया वन और जो आया ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन वन जा वन प्लस कॉस कॉस खत्म बचा वन, वन कॉस में साइन ए, और इस साइन ए को एज इट इज आप लेके घूमते रहेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा आइडेंटिटी बोलो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी जिसको याद होना ज़रूरी है, क्या है ये, एक आइडेंटिटी है। ठीक है भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इसको ए इसको बी समझेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, आंसर आता है क्या कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है कॉस ए, कॉस का एक कॉस से कैंसिल, बचा के आंसर कॉस ए, तो ये कॉस हमारा ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी है, इसको भी आप यहाँ पे सेंस करके लिख सकते हो जैसा आपका दिल करे, तो बहुत पुरानी आइडेंटिटी याद हो गया होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की, तो वो तो बहुत ही ईजी हो गया, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए और अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो आइडेंटिटी यूज करना है भाई, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, वन प्लस टेन आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए, ऑप्शन कैसे मिलेगा, तो सेक का उल्टा क्या होता है बोलो भाई, सेक का उल्टा होता है कॉस स्क्वायर ए, कोसेक का उल्टा होता है साइन स्क्वायर ए, हम क्या सिखा चुके हैं आप लोगों को, क्या सिखाए हैं, लास्ट का लास्ट से बीच का बीच से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर ए और कॉस इन टू वन कॉस स्क्वायर बन जा कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है
टेन स्क्वायर है, खत्म, प्रूफ हो चुका है। ये किसका है? ये है आपको डी का है। ये तो बहुत इजी है आइडेंटिटी, ठीक है भाई। इसके बाद आप चेक कर लेंगे इसके आगे सारे पूरे पूरा फुल, आपको फुल 8.4 मेरी तरफ से हो गया है, आराम से इसको रिविजन कर सकते हैं।